हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा और टाइटल देख के आपको पता चल गया होगा कि आज किस टॉपिक पे बात करने वाली हूँ। तो आज मैं एक हिना के बारे में बात करने वाली हूँ। वो है ये हिमालय का नेचुरल शाइन हिना। तो पहले मैं बहुत ज़्यादा पसंद करती थी बालों में हिना लगाना, पर क्योंकि बहुत ज़्यादा झंझट होती है उसमें, 10 चीज़ें ऐड करो और फिर रात भर गला के रखो, तो इतना झंझट कौन करे। इसलिए मैं कभी बहुत ही कम आजकल हिना अप्लाई करती हूँ, पर ये जो हिना है इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें ऑलरेडी ऐड है, इसलिए आज मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ। इसके कैसे रिजल्ट मिलते हैं ये सारी बातें शेयर करूँगी, और ये प्रोडक्ट एक्चुअल में कैसा काम करता है ये भी मैं शेयर करूँगी। तो अगर आप इस प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहते हो, इस हिना के बारे में जानना चाहते हो और आप बालों में हिना लगाना पसंद करते हो, क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। पुराने टाइम से ही बालों को कलर करने में हिना का यूज़ किया जाता है। हिना का यूज़ सिर्फ बालों को कलर करने में ही नहीं, इसके और भी सारे बेनिफिट्स हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे मैं जब भी हिना यूज़ करती हूँ तो मैं डीप कंडीशनिंग के लिए यूज़ करती हूँ। हिना हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, बालों को झड़ने से बचाता है, डैंड्रफ की प्रॉब्लम को दूर करता है, इची स्कैल्प की प्रॉब्लम को दूर करता है, वो हेल्दी बनाता है, और बहुत ज़्यादा ऑयली स्कैल्प का, ऑयली हेयर का प्रॉब्लम है उसको भी काफ़ी हद तक ये दूर करता है। कर लेते हैं इस हिमालय हिना के बारे में। तो ये बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, और इस ये प्री मैच्योर ग्रे हेयर की प्रॉब्लम को दूर करता है, लॉन्ग लास्टिंग कलर प्रोवाइड करता है। ये बहुत अच्छी अच्छी चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, जैसे कि भृंगराज। भृंगराज हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है, फिर आंवला। आंवला बालों को डार्कन करता है, बालों में कलर प्रोवाइड करता है। करी लीव्स, करी लीव्स जो होती है वो जो प्री मैच्योर हेयर की प्रॉब्लम है उसको दूर करती है। मेथी दाना, मेथी दाना कंडीशनिंग का काम करता है, बालों को सॉफ्ट बनाता है। शीकाकाई, शीकाकाई बालों को बहुत अच्छे से क्लीन किया जा करता है, जैसे कि बहुत सारे शैम्पू में भी जो हर्बल शैम्पू होते हैं इसलिए इसमें शीकाकाई यूज़ किया जाता है। हेरा, ये जो स्कैल्प है उसको सूदिंग करता है, और जितने भी इन्फेक्शंस हो जाते हैं स्कैल्प पे उनको दूर करता है। फिर हरड, तो ये बालों को नरिश करता है, नीम सारे इन्फेक्शन से को ट्रीट करता है और डैंड्रफ को भी ट्रीट करता है। फिर ग्रीन टी, ग्रीन टी जो होती है वो बालों को शाइनी बनाती है और स्ट्रॉन्ग बनाती है। चीज़ों के अलावा भी इसमें बहुत सारी चीज़ें मिक्स की गई हैं, कोई भी केमिकल, हार्मफुल केमिकल इसमें यूज़ नहीं किए गए हैं। बहुत सारी मेहंदी मार्केट में ऐसी अवेलेबल हैं जिनमें बहुत सारे केमिकल्स यूज़ होते हैं, जैसे वो कलर बहुत अच्छा देती हैं पर बाद में आपके बालों को डैमेज भी करती हैं। तो इसमें कोई भी केमिकल वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं किया गया है, 100% प्योर एंड हर्बल प्रोडक्ट। मिक्स करने के लिए वाटर का यूज़ कर रही हूँ। अगर आप बहुत अच्छा कलर चाहते हैं तो आप चाय पत्ती का पानी यूज़ कीजिए, और अगर आपके बालों में बहुत ज़्यादा डैंड्रफ है तो आप इसमें लेमन मिक्स कर सकते हैं। बहुत अच्छे से डीप कंडीशनिंग करना चाहते हैं तो कर्ड मिक्स कीजिए या एग मिक्स कीजिए, या ये सारी चीज़ें भी आप मिक्स कर सकते हैं। तब तक अच्छे से मिक्स कीजिए जब तक इसके सारे लम्प्स ना चले जाएं, और फिर इसको 3 से 4 घंटे तक ऐसे ही रेस्ट करने दीजिए। इसके बाद आप अपने बालों पे अप्लाई कर लीजिए। मुझे बालों में बन बना के वो मेहंदी लगाना नहीं आता है, तो मैं ऐसे ही मास्क की तरह इसको अप्लाई कर रही हूँ। आप हेयर ब्रश का यूज़ ज़रूर कीजिए इसको अप्लाई करने के लिए, नहीं तो आपके हाथ गंदे हो जाएंगे, पर 1-2 वॉश में वो निकल जाएगा कलर, इसलिए मैं अपने हाथों का ही यूज़ कर रही हूँ। और इसको आप अच्छे से लगा लीजिए। अगर आप सिर्फ डीप कंडीशनिंग के लिए लगा रहे हैं तो इसको 1 घंटे लगा के रखिए, और अगर आप थोड़ा कलर चाहते हैं तो आप इसको 3 घंटे लगाइए, इससे ज़्यादा लगा के नहीं रखना है। अगर आपको मेहंदी लगाना पसंद है बालों में तो आप मंथ में सिर्फ 1 बार ही मेहंदी लगाएं, इससे ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। छोटे बाल हैं तो आप 2 बार भी लगा सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लगाएं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मेहंदी लगाने के बाद उनके बाल बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं, रफ हो जाते हैं, स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। देखिए, आप जब भी बालों पर कोई ऐसी चीज़ लगाते हैं जो ड्राई हो जाती है, वो ड्राई हो जाती है तो आपके जो हेयर है, स्कैल्प का जो नेचुरल ऑयल है उसको वो एब्जॉर्ब कर लेती है और आपके बालों को ड्राई बनाती है और फ्रिजी हो जाते हैं। तो आपको करना क्या है, मेहंदी को बहुत ज़्यादा टाइम तक नहीं लगाना है, मतलब ज़्यादा ज़्यादा आप 3 घंटे लगा लो, उससे ज़्यादा नहीं लगाना है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक मेहंदी लगा के रखते हैं, क्योंकि उनको लगता है जितना ज़्यादा लंबे टाइम तक मेहंदी लगा के रखेंगे उतना ही अच्छा कलर आएगा। मैं अपना रिव्यू शेयर करूँगी। तो ये 50 ग्राम के मैंने 2 पैक लिए थे, तो एक को जो मैंने यूज़ किया उसमें मैंने दही मिक्स किया था, एग मिक्स किया था, और इसको सिर्फ वाटर से मिक्स करके लगाया है। तो जब मैंने दही और एग मिक्स किया था तब मेरे बालों में एक शाइन थी और बहुत अच्छे से कंडीशनिंग हुई थी बालों की, पर इस बार जब मैंने पानी से इसको लगाया तो बाल मेरे आप देख सकते हो थोड़े से ड्राई हो गए। बहुत ज़्यादा ड्राई इसलिए नहीं हुए क्योंकि मेरे ऑलरेडी बाल ऑयली हैं, तो बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं हुए, पर थोड़े थोड़े ड्राइनेस मैं देख सकती हूँ। बाकी कलर वगैरह
जितना मुझे चाहिए था उतना ही आया। तो काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, काफ़ी अच्छे से कलर देगा, बालों को हेल्दी बनाएगा। बस अगर आप कंडीशनिंग चाहते हैं तो उसमें दही या अंडा या दोनों या जो भी आप यूज़ करते हैं वो आप इसमें ज़रूर मिक्स करिए। ऑनलाइन ऑफलाइन ईजिली अवेलेबल है, आप इसको परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसकी लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ से इसको परचेज कर सकते हैं। आई होप आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, खूब ज़्यादा शेयर कीजिए। और मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।